एक चिड़ियाघर में कुछ शेर हैं और कुछ तोते हैं, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं कि अनुरक्षक 15 सिर और 50 टांगे गिनी। अनुरक्षक ने शेरों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। इन सब में एक बात ध्यान रखना, जो भी हमें दिए होंगे जानवर वगैरह या पक्षी वगैरह, उनमें क्या होगा, एक की तो लेग्स 4 मिलेंगी, दूसरे की 2 मिलेंगी। अगर हमारे पास ऐसा है तो हमने ये देखना है कि हमें संख्या किसकी निकालनी है, 4 लेग वाले की निकालनी है या 2 वाले की। शेर की 4 लेग्स होती हैं, अगर 4 लेग्स वाले की संख्या निकालनी है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला रहेगा कि शेर की 4 लेग्स वाली है तो हम क्या करेंगे, लेग्स जो होंगी टोटल उसमें से जो हेड है, हेड को 2 से मल्टीप्लाई करके और पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। हेड को एच से डिनोट किया है और जो लेग्स है उनको एल से डिनोट किया है। तो लेग्स कितनी है, 50। 50 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एच, एच कितना है 15, 15 बाय में 2, तो यानी कि कितना हो गया ये 50 माइनस 30 बाय बे 2, यानी कि 20 बाय 2, यानी कि हमारे पास आ गया आंसर 10। ओके, मैं जो भी क्वेश्चन बता रही हूँ सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आता, तो इन्हीं को ट्रिक से कर लो। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि कुछ हिरण हिरण और मुर्गियाँ हैं, उनके सिर की संख्या 15 और टांगे 50 हैं। तो देखो हिरण की लेग्स हमारी 4 होते हैं और मुर्गियों की लेग्स कितनी होती है, 2। तो इनका भी 4 और 2 का रेशियो बनता है 2:1। और उनके सिर की संख्या यानी कि जो हेड है, हेड हमारे पास कितनी दे रखी है, सिर की संख्या 15, ठीक है, और लेग्स लेग्स कितनी दे रखी है 50। हमें किसकी संख्या निकालनी है, हिरण की संख्या। हिरण कितनी लेग्स वाला होता है, 4 लेग्स वाला। तो 4 लेग्स वाले के लिए मैंने क्या बताया फॉर्मूला कि लेग्स में से हेड को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है और पूरे को 2 से डिवाइड करना है। लेग्स कितनी है 50, माइनस में 2 मल्टीप्लाई हेड कितने हैं 15 बाय में 2, यानी कि 50 माइनस में इतना ये 30 हो गया, 2 की 15 से मल्टीप्लाई, 50 में से 30 गए, हमारे पास आया 20, 20 बाय में 2 यानी कि आ गया 10, यानी कि इस मुंह में हिरण की संख्या कितनी है 10 है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, एक खेत में कुछ गाय और चिड़ियाएं हैं। देखो गाय की जो पैरों की संख्या होती है 4 होती है और चिड़िया की कितनी होती है, 2, 2 पैर होते हैं चिड़िया के। यदि उनके कुल सिरों की संख्या यानी कि हेड हेड हमें कितना कह रहे हैं 35 है और पैरों की संख्या यानी कि लेग्स कितनी है 10 110 है, तो खेत में कुल कितनी गायें हैं। गाय मतलब किसके बारे में पूछा है, ऐसे जानवर के बारे में जिसकी 4 टांगे हो। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एच लेग में से 2 को h से मल्टीप्लाई करके, हेड को 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो लेग कितनी थी 110, माइनस में 2 मल्टीप्लाई h कितना है यानी कि हेड कितने हैं 35 है और बाय में 2 किया तो यानी कि कितना आ गया 110, माइनस में 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया 70 आया, 70 बाय में 2, 110 माइनस 70 होता है हमारा 40, 40 बाय 2 हमारे पास आ गया है आंसर 20, यानी कि खेत में कुल 20 गाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति से जब पूछा गया कि उसके पास कितनी भैंसे और मुर्गियां हैं, यानी कि देखो किस किस के बारे में पूछ रहे हैं, एक ऐसा जानवर जिसकी 4 लेग्स हैं भैंस, मुर्गियां जिसकी 2 लेग्स हैं, ठीक है, यानी कि वही 4 और 2 वाला हो रहा है। तो उसने कहा कि उसके जानवरों की जो आंखें हैं, आंखें तो 120 है और पैर 180 हैं, और तो उसके पास कुल कितनी मुर्गियां हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि 2 लेग वालों के बारे में पूछा है इन्होंने। ओके, 2 लेग वालों के बारे में पूछा है और आईज भी हमारी 2-2 होती हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अगर 2 लेग्स वालों के बारे में पूछ ले तो हम क्या करेंगे, जो लेग्स होंगी उसको तो करना है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर आईज पूछ रहे हैं तो आईज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को आईज से मल्टीप्लाई करके और लेग को सब्ट्रैक्ट करके बाय में 2 करेंगे। अगर आईज की जगह हेड होता और 2 लेग वालों के बारे में पूछते तो हेड को 4 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। अगर हमारे पास 2 लेग्स वालों के बारे में पूछ रहे हैं, अगर आईज है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और लेग को सब्ट्रैक्ट करके बाय 2 करेंगे। अगर हेड होता तो 4 से मल्टीप्लाई करते हेड को और लेग को सब्ट्रैक्ट करके बाय में 2 करते। अगर 4 लेग्स वाले की बात आई तो हम क्या करेंगे,
लेग में से 2 मल्टीप्लाई बाय हेड बाय में 2 करते हैं, जो हमने पहले 3 क्वेश्चन किए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कैसे होगा? अब देखो, 2 मल्टीप्लाई बाय आइज कितनी है, 120 है, माइनस में लेग कितनी है, 180 है, और बाय में 2। ओके, तो देखो अब 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 240 माइनस 180 बाय में 2। ठीक है, तो 240 में से 180 गए, हमारे पास बचता है 60। 60 बाय में 2, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा हमारे पास 30। तो हमारे पास क्या मिला आंसर, कि जो मुर्गियां हैं वो कितनी हैं, 30 है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में है कि एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। देखो, मुर्गियों की 2 टांगे होगी, गाय की 4 होगी, ठीक है, 2 और 4 का ही चल रहा है। यदि सिर की संख्याएं यानी कि हेड हमारे पास क्या कह रहे हैं, 48 है, और पैरों की संख्याएं यानी कि लेग्स कितनी है, 140 है, तो मुर्गियों की संख्याएं निकालनी है, हम क्या करेंगे, हमने किसकी संख्या निकालनी है, जिसकी 2 लेग्स हो, 2 लेग्स वाली की संख्या हमें निकालनी है। इसका मतलब जो लेग्स होंगी उनको तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मैंने कहा था कि अगर आइज आए तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, अगर हेड आए तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, 2 लेग्स वाले केस में। तो हेड को 4 से मल्टीप्लाई करके बाय में 2 किया, तो क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय हेड कितने हैं, 48, माइनस में लेग कितनी है, 140 बाय में 2। ठीक है, तो इसका मतलब 48 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 192, और माइनस में 140 ये हो गया, और बाय में 2। ओके, तो 192 में से जब 40 सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचेगा 52। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 52, और बाय में 2। 52 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 26। इसका मतलब क्या है कि मुर्गियों की संख्या कितनी है, 26 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंजरे में खरगोश और चिड़िया है, ठीक, यानी कि खरगोश की 4 टांगे होगी, चिड़िया की 2 होगी। तो सिर जो है, हेड 35 है, और पैर कितने हैं, 98 है, यानी कि लेग्स 98 होगी। ओके, तो कह रहे हैं कि पिंजरे में खरगोश की संख्या कितनी है, ये हमें बताना है। तो यानी कि हमें किसकी संख्या बतानी है, जिसकी 4 लेग्स हैं। 4 लेग्स वाले में मैंने क्या कहा था कि जो लेग्स में से जो अगर हेड दिया होता है तो लेग्स में से हेड को 2 से मल्टीप्लाई करके, हमने स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चन ऐसे किए थे, और डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 2। लेग्स कितनी है, 98, माइनस में हेड कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 35 बाय में 2। तो यानी कि 98 में से 70 माइनस होए और बाय में 2 आया। ठीक है, तो 98 में से अगर 70 जाएंगे तो कितना बचेगा, 28 बाय में 2। तो 28 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आएगा, 14। तो 14 हमारा है करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।